iOS 18। तो गाइस फाइनली स्टेबल अपडेट जो आ चुका है iOS 18 का, जो कि काफ़ी समय से हम सभी लोग जो वेट कर रहे थे। और ये मेरे पास है iPhone 15। आज हम इसके अंदर प्रॉपरली सॉफ्टवेयर अपडेट करके बताएंगे कि किस तरीके से डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया जाता है स्टेबल वर्जन, जैसे कि आपका डेटा डिलीट ना हो, ओनली फॉर आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर ही अपडेट हो। सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और जिसके अंदर सपोर्ट है, यानी कि iOS 18 जिस डिवाइस के अंदर सपोर्टेड है, उन सभी के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा। सेम तरीके से आप जो अपने मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से आपका डेटा डिलीट नहीं होता है। और स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि iOS 18 किस तरीके से स्टेबल अपडेट किया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे बिट्स। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास iPhone 15। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि आपका फ़ोन का चार्जिंग जो है यहाँ पे आपको 100% कर देना है, ओके। फिर गाइस आपको अपना जो एक वाईफाई कनेक्ट कर लेना है जिसकी स्पीड अच्छी खासी हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है डाउनलोडिंग में। फिर गाइस आपको क्या करना है कि चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में गाइस जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल ऐसा एक ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलता है, तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, जनरल पे आपको टैप करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट पे आपको जो टैप करना है, और यहाँ पे आपको कुछ सेकेंड्स वेट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो चेकिंग फॉर अपडेट। तो गाइज यहाँ पे आपके सामने भी कुछ इस तरीके का आएगा और आपको लगेगा कि अरे यार iOS 18 का सॉफ्टवेयर अपडेट हमारे फ़ोन में नहीं आए, बट ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि iOS 17.7 पे अपडेट करना है, तो डायरेक्टली यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हो। और iOS 18 चाहिए तो जस्ट नीचे की तरफ आपको जो स्वाइप करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो अपग्रेड टू iOS 18, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टैप करना है, और ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। और गाइज यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट नाउ और अपडेट टू नाइट, और इसकी साइज़ भी यहाँ पे आप देख सकते हो iOS 18 3.89 GB का सॉफ्टवेयर अपडेट जो आया हुआ है। और यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या कुछ कंपनी ने नए फीचर्स ऐड किए हुए हैं। खैर उसका एक अलग से वीडियो हम बनाने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे अपडेट नाउ पे आपको जो टैप कर लेना है, और यहाँ पे आपका पासकोड जो एंटर कर लेना है, और मैं भी सिक्योर तरीके से मेरा पासकोड जो एंटर कर लिया हूँ। और यहाँ पे ऐसा सर्चिंग लेगा, यहाँ पे आपको कुछ सेकेंड्स वेट करना है, ट्रिम एंड कंडीशन से यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एग्री पे टैप करना है, अगेन एग्री पे टैप कर लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट रिक्वेस्टेड, यानी कि फ़िलहाल ये अपडेट रिक्वेस्टेड में है। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में आगे। और गाइस iPad OS 18 का भी अपडेट आ चुका है, उसका वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। अगर आप iPad यूज़र्स हो तो आपके लिए भी एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डाउनलोडिंग जो स्टार्ट हो ही चुका है। यहाँ पे एक ब्लू लाइन होगी जो कि कुछ टाइम लेता है, अपडेट रिक्वेस्टेड के बाद वो ब्लू लाइन स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी ब्लू लाइन जो स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटा लग सकता है इस अपडेट को कम्प्लीटली डाउनलोड होने में। हो सकता है इससे कम लगे, बट यहाँ पे मैक्सिमम टाइम इतना शो हो रहा है, तो आपके फ़ोन के अंदर भी कुछ इस तरीके से जो प्रोसेस होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही टाइम लगा था अपडेट होने में, और जैसे ही ये सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाता है तो यहाँ पे डाउनलोडेड लिखा हुआ रहता है। और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक है अपडेट नाउ और दूसरा है कैंसिल अपडेट, iOS 18 विल बी इंस्टॉलेड। तो यहाँ पे आपको अपडेट नाउ पे टैप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगा, और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बता रहा हूँ वो आप फॉलो कीजिए। फिलहाल आपको फ़ोन को छूने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ठीक है आपका फ़ोन हीटिंग वगैरह होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो केस वगैरह जो आप निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, तो यहाँ पे केस जो रिमूव कर लेना है, और ऐसे टेम्परेचर में फ़ोन को लाना है जैसे कि एसी वाला रूम है या तो ठंड वाला माहौल है वहाँ पे, तो आपका फ़ोन जो ज़्यादा हीट नहीं होगा, तो इस बात का भी आपको जो ध्यान रखना होगा। और गाइस हमारा फ़ोन जो पूरा ब्लैक स्क्रीन हो जाता है कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल लोगो जो आ चुका है। ऐसी सेम प्रोसेस दो बार होती है,
ये लाइन यहाँ से ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको जो वेट करना है, ऐसा सेम प्रोसेस दो बार होता है, तो आपको शांति से वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइन स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता है, हो सकता है यहाँ पे भी आपको जो 5 मिनट जितना टाइम लगे, तो आपको जो वेट करना है। फिर जल्दबाजी में आके कोई भी चीज़ जो प्रेस नहीं करनी कह रही, यार हमारे फ़ोन को क्या हो रहा है, क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस शांति से जो फ़ोन को देखे रहना है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑटोमेटिकली सारी प्रोसेस जो होने वाली है फ़िलहाल। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन वही सेम प्रोसेस जो स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे जो लाइन दिख रही थी वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी है और यहाँ पे सेम वही प्रोसेस जो शुरू हो जाएगी, फिर आई थिंक हमारा फ़ोन जो स्टार्ट भी हो जाएगा। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो लिखा हुआ आ चुका है, जस्ट ऐसे आपको जो स्वाइप करना है, यहाँ पे आपको पासकोड जो एंटर कर लेना है। मैं भी मेरा पासकोड जो एंटर कर लेता हूँ सिक्योर तरीके से। और यहाँ पे आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर अपडेट कम्प्लीटेड, यूर फोन हैज़ बीन अप टू डेट iOS 18.0। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे टैप कर लेना है और ये वीडियो आप ध्यान से देख लो। और यहाँ पे आप देख सकते हो रात का टाइम हो चुका है, 1:30 बज चुके हैं आई थिंक, और यहाँ पे हमने कंटिन्यू कर लिया है, यहाँ पे प्रोसेस जो स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आईफोन एनालिटिक्स, यहाँ पे आपको डोंट शेयर कर देना है। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, एक है शेयर विथ एप्पल और यहाँ पे आपको डोंट शेयर कर देना है। वेलकम टू आईफोन, ऐसे आपको जस्ट स्वाइप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फ़ोन जो फिलहाल iOS 18 पे काम कर रहा है। यहाँ पे आप सेटिंग्स में देखते हो तो ये आइकन भी चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे ये पूरे रीडिज़ाइन किए गए हुए हैं। और इसका व्हाट्स न्यू वाला वीडियो बहुत ही जल्द आ रहा है। यहाँ पे आप जनरल में अबाउट में जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो iOS वर्जन 18, यानी कि कुछ इस तरीके से आप अपने फ़ोन के अंदर भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।